मैम आपका पार्सल। अरे छोटी तू तू यहाँ क्या कर रही है? दीदी आप डिलीवरी का काम कर रहे हो? बहन तू ये सब छोड़, तू ये बता तू यहाँ क्या कर रही है? वो दीदी हम तो कल ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं, वो एक्चुअली इनको कुछ काम था ऑफिस का तो इसीलिए हम यही शिफ्ट हुए हैं। मैं आपको बताने वाली थी बट घर की शिफ्टिंग में मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैं आपको बता नहीं पाई। अच्छा ठीक है तुम ये ऑर्डर लो, मैं चलती हूँ। अरे जा कहाँ रहे हो? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, आप मुझे पहले ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, डिलीवरी का काम क्यों कर रहे हैं? अरे बहन तू ये सब छोड़ ना, तू ये बता जीजा जी कहाँ है? वो तो घर पे ही है, पर आप बात मत पलटिए, आप मुझे ये बताइए कि डिलीवरी का काम क्यों कर रहे हैं आप? घर में है। अच्छा सुन मैं बाद में बात करूंगी तुझसे, अभी मैं चलती हूँ। अरे दीदी आप कहीं नहीं जाएंगे, आप पहले मुझे बताइए कि आप ये डिलीवरी का काम क्यों कर रहे हो? अरे साक्षी तुम, हाय। हाय जीजू। और बताओ कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, आप बताओ। अरे अभिषेक क्या अच्छे हैं, ये देखो ये यहाँ पे डिलीवरी का काम कर रहे हैं। क्या डिलीवरी का काम? लेकिन साक्षी तुम्हारी तो बहुत अच्छी जॉब थी ना, तो ये डिलीवरी का काम? हाँ जीजू जॉब तो थी पर कुछ समय पहले ना मेरी नौकरी चली गई। क्या जॉब छूट गई? कब? 8 महीने हो गए। 8 महीने पहले आपकी जॉब चली गई और आपने मुझे बताया भी नहीं, और चली गई तो क्या हो गया, आप ये डिलीवरी का काम क्यों कर रहे हो? आप हमारे पास आ जाते, हमारे साथ रह लेते। अच्छा क्या बताती मैं तुझे, तू शादीशुदा है, मेरी छोटी बहन है, मैं तुझे ये सब बताकर तुझे परेशान थोड़ी करूंगी। और बहन तुझे पता है ना कि तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन, तो छोटे मोटे काम कर मैं अपना गुजारा तो कर ही सकती हूँ ना। और ये काम ना अच्छा है, सारा दिन मैं बिजी रहती हूँ, शाम को घर जाती हूँ, खाना बनाती हूँ अपने लिए और खाकर सो जाती हूँ, और हाँ महीने के अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं और मेरा गुजारा ना अच्छे से हो जाता है, इतने पैसे मिल जाते हैं अब तू समझ ले। साक्षी मुझे लगता है तुम हमें अपना नहीं मानती, अगर अपना मानती ना तो हमारे साथ ही रहती। कैसी बातें कर रहे हो जीजा जी, मैं अपनी छोटी बहन के ससुराल में आके कैसे रह सकती हूँ? समाज के लोग क्या कहेंगे कि मैं अपने छोटी बहन के ससुराल में जाके बैठ गई, उनके ऊपर बोझ बनकर उनके घर में बैठी हुई हूँ? अरे इसमें बोझ वाली क्या बात है, ये घर जितना मेरी बहन का है ना उतना ही प्रीत की बहन का भी है, तो इसमें बोझ वाली कोई बात नहीं है। और दीदी मैं तो आपकी बहन हूँ, मैं तो आपका सगा खून हूँ, हमारे मम्मी पापा नहीं है, भाई नहीं है कोई, तो उनके बाद मेरी जिम्मेदारी बनती है ना कि अगर आप पे कोई मुसीबत आ रखी है तो मैं आपकी मदद करूँ। पर आज आपने बता दिया कि आप ना मुझे अपनी बहन नहीं मानते हो। कोई बात नहीं प्रीत, अगर साक्षी हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो हम इसका कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। हाँ हाँ दीदी अभिषेक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर आज आप हमारे साथ नहीं रुके ना तो मैं आपसे बात करना बंद कर दूंगी, सारे कॉन्टेक्ट खत्म कर दूंगी। अरे छोटी ये तो कैसी बातें कर रही है, मैं तो भगवान से हमेशा प्रे करती हूँ कि मेरी छोटी बहन हमेशा खुश रहे और सारी खुशियाँ तुम्हें मिले, और वैसे भी इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा है ही कौन? और अब ये तय रहा, साक्षी अब से हमारे साथ रहेगी, और अब सारी बात गेट पे खड़े होकर होगी क्या, अंदर लेके चलो इसको। चलो ना दीदी आपको मेरी कसम है प्लीज। नमस्कार दोस्तों, आज मैं कुछ आपको बातें बताने या ज्ञान देने नहीं आया हूँ, मैं बस आप सबसे आज बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि ना हम वीडियोस बनाते हैं आप देखते हो, हमें कुछ नहीं चाहिए बदले में, हम बस ये चाहते हैं कि आप सब वीडियोस को देखो, अपने परिवार को दिखाओ, अपने फ्रेंड्स को दिखाओ, अपनी फैमिली सबको दिखाओ, और हमारे पास प्यारे प्यारे मैसेज करो, हमें बताओ कि हमें कैसा कंटेंट बनाना चाहिए, और कंटेंट हमारा पसंद आया है या नहीं आया, उस पर आपको कितना प्यार आया, मतलब कैसा क्या रिस्पॉन्स है, वो आप सब हमें कमेंट्स में बताओ और प्यारे प्यारे मैसेज करो, हमारे पास यही चाहते हैं हम। और है ना हमारे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज करो कि भाई ऐसे वीडियो बनाओ, अगर आपके पास कोई भी कॉन्सेप्ट है कोई भी कंटेंट है हमारे पास मैसेज करो, हमें बताओ कि हमारे साथ ये हुआ है ये हुआ है, हम उसी पे वीडियो बनाएंगे, प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और वो आप सबको पसंद आएगी। तो जल्दी मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, हमारे पास मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा पेज के ऊपर, ठीक है? तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, राम राम।